नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। पीएम मोदी की हर दिवाली अपने आप में खास होती है, क्योंकि हर दिवाली वो जवानों संग मनाते हैं और इस बार भी वो दिवाली मनाने राजौरी सेक्टर के आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां पीएम मोदी को अपने बीच पाकर जवान काफी उत्साहित नजर आए। लेकिन जो कि 370 हटने के बाद पीएम मोदी का ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा पहला सैन्य दौरा था और ऐसे में पीएम मोदी ने पीओके को लेकर अपने दिल की एक ऐसी बात कह डाली जिसे सुनकर अब शायद ही पाकिस्तान कभी चैन से सो पाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब जवानों संग पीएम मोदी ने मनाई दिवाली, ना पाक का निकाला दीवाला, पीओके पर पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया जवाब। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद जवानों संग देश के लिए भी ये दिवाली बेहद खास रही। राजौरी सेक्टर में पीएम मोदी को अपने बीच पाकर जवान काफी उत्साहित नजर आए। जवानों का मुंह मीठा कर पीएम मोदी ने अपनी दिवाली बनाई और साथ ही साथ जवानों का देश की सुरक्षा में अदम्य साहस दिखाने पर देशवासियों की तरफ से आभार भी जताया। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि दीपावली अपने परिवार जनों के बीच में मनानी चाहिए और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवार जनों के बीच में मनाऊं और इसलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवार जनों के बीच आया हूं। आप ही मेरा परिवार है, अपने परिवार से दूर रह करके आप लोग सिवाय भारत माता 125 करोड़ देशवासी ये सब सोचते आखिर में खुद के परिवार का सोचते हैं, ऐसे लोग हैं। सबसे पहले आपको देश ही याद आता है। वहीं पीएम मोदी ने सेना के आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए कहा कि आपके सामर्थ्य पुरुषार्थ का महत्व है, लेकिन युग बदल चुकी है। सेना आधुनिक होनी चाहिए, अस्त्र शस्त्र आधुनिक होने चाहिए, ट्रेनिंग वैश्विक स्तर की हो, साधनों के अभाव में हमारे जवानों के चेहरे पर चिंता की लकीर नहीं हो, ये जरूरी है। इसे हमारी सरकार ने सेना को सामर्थ्यवान और आधुनिक बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने में कोई कमी नहीं रखी है। सरकार तेज गति से निर्णय कर रही है और प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। अब जब पीओके की बात आई तो पीएम मोदी ने अपने मन की वो बात कह डाली जिसे सुनकर खोखली धमकियां देने वाला पाकिस्तान की पैरों तले जमीन खिसक गई। पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा है उसकी कसक आज भी मेरे अंदर है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा। तो जम्मू कश्मीर को लेकर भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर आज तक पाकिस्तान षड्यंत्र रचता रहा, लेकिन उसके नापाक इरादों को हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। असल में जब पीएम मोदी राजौरी सेक्टर में जवानों संग दिवाली मनाने पहुंचे, तब सेना इन्फेंट्री डे मना रही थी। इस बीच पैदल सेना के शौर्य को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद जब दोनों देश अलग हुए तो हमने पाकिस्तान से कहा कि वो अपनी राह चले और हम अपनी राह, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर खंजर घोंपने की कोशिश की। उसने कश्मीर पर कब्जे के लिए षड्यंत्र रचा, लेकिन हमारी पैदल सेना ने
पाक के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। जम्मू कश्मीर आज भारत का हिस्सा है। तो आपको बता दें कि साल 2014 में पीएम मोदी ने सियाचिन में जाकर अपनी दिवाली मनाई, फिर उसके बाद 2015 में पंजाब बॉर्डर पर, 2016 में इंडो तिब्बत बॉर्डर पर जाके बनाई, फिर 2017 में कहें कि पीएम मोदी ने अपनी दिवाली जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में मनाई, और पिछले साल यानी कि साल 2018 में उन्होंने चीन सीमा के पास आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी, और इस बार उन्होंने सीधा राजौरी सेक्टर के जवानों के साथ, जी हां 370 हटने के बाद पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में राजौरी सेक्टर के जवानों संग अपनी दिवाली मनाई, और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी दो टूक में समझा दिया कि जम्मू कश्मीर आप भूल जाइए, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि आज भी उनके मन में पीओके को लेकर कसक है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। सीमावर्ती क्षेत्र तो कई होते हैं, लेकिन शायद ये अपने आप में एक यूनिक जगह है जहां आप लोग विराजमान हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को चाहे युद्ध की बात हो, इंसर्जेंसी की बात हो, इन्फिल्ट्रेशन की बात हो, इस क्षेत्र को हर बार जूझना भी पड़ा है और हर बार जीतते भी रहे। ये सीमा का वो क्षेत्र है जिसने कभी पराजय नहीं देखा, यानी ये क्षेत्र वो है, विजयी तो है, अजय